वजीराबाद पुल के पास बना सिग्नेचर ब्रिज जब से बना है तब से चर्चाओं में बना हुआ है। आपको बता दें जब ब्रिज का उद्घाटन होने वाला था उस दौरान आप नेता और भाजपा सांसद मनोज तिवारी के बीच जमकर हाथापाई हो गई थी। वहीं जब पुल लोगों की सुविधाओं के लिए शुरू कर दिया गया था तो लोगों ने अपनी फुहड़ता का परिचय देना शुरू कर दिया था। कोई ब्रिज पर सेल्फी ले रहा था तो कोई गाड़ी से स्टंटबाजी कर रहा था जिस वजह से ब्रिज चर्चाओं में बना हुआ था। लेकिन आपको हम यहाँ पर बता दें ये ब्रिज एक बार फिर चर्चाओं में बना हुआ है, अब तो हद ही हो गई है। आपको बता दें कि रात के अंधेरे में चंद लोगों ने अब ब्रिज के सरफेस और पायलोन को जोड़ने वाले केबल्स के नट बोल्ट चुराने शुरू कर दिए। जी हाँ, आपको बता दें बीते दिनों जब इस बात की जानकारी दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इंजीनियरों को पता चली तो वो भी हैरान हो गए और उन्होंने हैरानी जताई। वहीं लोग भी ये बात सुनकर हैरान हो गए। लेकिन इस बात को देखते हुए इंजीनियरों ने कहा है कि ऐसी घटनाएं रोकने के लिए अब वेल्डिंग कराई जाएगी। SPN9 न्यूज़ रूम से राहुल की रिपोर्ट।